सबको जय यीशु की, प्रभु यीशु क्रिस्त में। प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 16 तारीख है, सोमवार है, और आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है, यदि कोई प्रभु के पास पूर्ण रूप से श्रद्धा, भक्ति, आस्था और विश्वास के साथ जाता है तो प्रभु निश्चित रूप से उसकी पुकार, उसकी प्रार्थना सुनता है। प्रभु ने अपने वचन के द्वारा वादा भी यही कर रखा है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6:37 में, जो कोई भी व्यक्ति विश्वास के साथ मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं टुकराऊंगा। और आज के दिन में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है इसी बात को, इसी प्रभु का वचन को सार्थक साबित करते हुए हम आज के सुसमाचार में हम देख सकते हैं। आज का सुसमाचार हम सबों को दिया गया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7:1-10 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से एक शतपति का विश्वास का उदाहरण दिया गया है, शतपति का विश्वास का उदाहरण दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद ईसा कफरनाऊ आए, वहां एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। एक शतपति था, उसका एक प्रिय नौकर किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित था और वो मरने को था। शतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास यह निवेदन करने भेजा। इस शतपति जानता था ईसा के बारे में और उनको मालूम था कि प्रभु यीशु बड़े बड़े अद्भुत से अद्भुत कार्य करते हैं, इसलिए शतपति ने अपने नौकर को बचाने के उद्देश्य से कुछ प्रतिष्ठित यहूदियों को चुना ताकि वे यीशु के पास जाके इस बात का खबर दें कि शतपति का नौकर बीमार है, उस पर प्रभु अगर मेहरबानी दिखाए उसका नौकर ठीक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये बात दर्शाई जाती है शतपति या अधिकारी व्यक्ति अपने नौकर का किस प्रकार से ख्याल रखता है। जब उसका नौकर बीमार पड़ गया, वो उसको तकलीफ हुई कि मेरा नौकर बीमार है, उसको ठीक होना है, इसलिए यीशु के पास अपने चुने हुए प्रतिष्ठित लोगों को उसने कहला भेजा कि यीशु उस पर अपनी मेहरबानी दिखाए। और इस प्रकार से जब उसने संदेश भेजा तो लोगों ने उसको, प्रभु यीशु को बताया कि ये शतपति बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा व्यक्ति है, उसने हमारे लिए बहुत सारी मदद की और गैर यहूदी होने के बावजूद उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना का गृह बनवाया है। ये सारी बातें जब प्रभु यीशु को जब बताई, प्रभु यीशु को इस शतपति का विश्वास देखकर बहुत अच्छा लगा। इतना बड़ा व्यक्ति इतना विनम्रता के साथ, इतना विश्वास के साथ प्रभु के पास ये संदेश कहला भेजा, प्रभु को अच्छा लगा, इसलिए प्रभु उसके नौकर को ठीक करने के लिए निकल पड़े। अब हम देखते हैं इस शतपति को जब पता चला कि यीशु तैयार हुए उसके घर आने के लिए और रास्ते में है, शतपति ने फिर एक बार अपने मित्र को बेच कर यह कहना भेजा कि प्रभु और इतना कष्ट ना लें कि वो मेरे घर आए, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं कि महान प्रभु, पवित्र प्रभु मेरे घर में आए, क्योंकि मैं इस लायक नहीं। उसने अपने आप को एक प्रकार से आभास किया, एहसास किया कि मैं तो पापी मनुष्य हूँ, मैं तो गुनहगार हूँ, अपराधी हूँ, मेरे अंदर पाप है, बुराई है, और ऐसे परिवेश में मैं प्रभु को कष्ट नहीं दे सकता। इसलिए शतपति क्या संदेश भेजता है दूसरी बार शतपति ये संदेश भेजता है कि आप वहीं से एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। शतपति अपना पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में
प्रकट करते हुए कहता है, यीशु अगर एक शब्द भी कह दे, वो एक शब्द मात्र पर्याप्त है, काफी है शतपति का नौकर को ठीक होने के लिए। और इस प्रकार से शतपति अपने मित्र के द्वारा ये संदेश भेजता है कि प्रभु को कष्ट ना दिया जाए, बल्कि प्रभु और एक शब्द कह दे, एक शब्द मात्र काफी है। यानी कि जितना बीमार है वहां पर नौकर, मरने को है, तब भी उसका भरोसा, उसका विश्वास प्रभु यीशु पर, प्रभु के वचनों पर इतना महान विश्वास था, और उसने इस बात का विश्वास, इस विश्वास को इस प्रकार से प्रकट किया कि यीशु एक शब्द भी कह दे उतना ही पर्याप्त है, उसका नौकर ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से प्रभु ने देखा कि शतपति का विश्वास, क्योंकि शतपति ना केवल प्रभु पर विश्वास रखता था, बल्कि श्रद्धा भक्ति रखता था, इसलिए उन्होंने गैर यहूदी होने के बावजूद यहूदियों के लिए प्रार्थना का गृह बनवाया, अपने नौकर पर मेहरबानी दिखाई, दया दिखाई, उसको ठीक करने के लिए संदेश भेजा, और अपने आप को तैयार किया ताकि प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत वह ग्रहण कर सके। उसने अपने आप को विनम्र बनाया, विनीत बनाया, अपने गुनाह गलती अपराधों को प्रभु के सामने स्वीकार किया, और प्रभु पर इस बात का भरोसा रखा कि प्रभु अगर एक शब्द कह दे, प्रभु के वचन पर उसने इतना भरोसा रखा, इतना विश्वास रखा कि प्रभु अगर एक शब्द भी कह दे, वो एक शब्द ही पर्याप्त होगा उसके नौकर को ठीक होने के लिए, और उस पर उसके विश्वास के वजह से उसका नौकर ठीक हो जाता है। इस प्रकार से शतपति हम सबों को सिखाता है। कई बार हम लोग प्रभु के बातों पर विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, अधिक विश्वास हम करते हैं लोगों पर, अधिक विश्वास हम करते हैं डॉक्टरों पर, अधिक विश्वास हम करते हैं दवाई पर। जब बीमार पड़ते हैं, दवाई की भी जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, और अनेक प्रकार के ऐसे माध्यम की जरूरत है, लेकिन वो हमारे लिए सब कुछ नहीं है, वो हमारे लिए माध्यम है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे दवाई हो, कुछ भी हो, हमारे लिए एक प्रकार का माध्यम है, लेकिन माध्यम जरूरी है, लेकिन माध्यम पर पूरा विश्वास नहीं। हमारा विश्वास प्रभु यीशु पर होने की आवश्यकता है, ईश्वर पर होने की आवश्यकता है। प्रभु का वचन कहता है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में, किसी जड़ी बूटी या लेप से मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता, किसी जड़ी बूटी या लेप से मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता, प्रभु तेरे वचनों के द्वारा चंगाई मिलती है, तेरे वचनों के द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। यानी कि प्रभु के वचनों के द्वारा ही मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है, 10 कोढ़ी बीमार थे, उन्होंने प्रभु को पुकारा, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए, प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने वचन सुनाया, जाओ अपने को याचकों को दिखला, उस पर उन्होंने विश्वास किया और रास्ते में ठीक हुए। यानी कि प्रभु के वचनों के द्वारा उनको चंगाई मिली, कोढ़ की बीमारी दूर हुई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बाइबल में हम लोग देखते हैं जब प्रभु ने एक शब्द कहा हो और वहां पर उसकी उस शब्द के द्वारा चंगाई मिली हो। इसलिए आज के दिन में आज के सुसमाचार के द्वारा यही बात शतपति के द्वारा हमारे सम्मुख रखी गई है। प्रभु के वचनों को सुने, प्रभु के वचनों को पढ़ें, प्रभु के वचनों पर विश्वास करें, और विश्वास के द्वारा प्रभु के वचन ग्रहण करेंगे। प्रभु का वचन, जीवंत वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा और हमारे जीवन में आशीष और बरकत लेके आएगा। इसलिए आज के दिन में जो संदेश प्रभु ने हम सबों के सम्मुख रखा है, इस संदेश को ग्रहण करें, स्वीकार करें, इस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे। वही प्रभु अपने शब्द के द्वारा हम सबों को स्पर्श करें, हमारा विश्वास को बढ़ाएं, ताकि हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए, प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए विश्वास में आगे बढ़ें, और विश्वास में आगे बढ़ते हुए प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों को आज के दिन में आशीष दे, हम सबों को बरकत दे। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।